वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के जागरूकता साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत आज अजमेर में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सीएमएचओ ऑफिस में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं देने हेतु चिकित्सा विभाग हमेशा तत्पर रहता है, जहां इसी के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वही बताया कि जो लोग अपने घरों में पड़ी एंटीबायोटिक को लेते हैं या फिर चिकित्सकों द्वारा दी गई दवाइयों को कंप्लीट नहीं लेते हैं, ये सोचकर कि ये दवाइयां ज्यादा एमजी की है, वह सभी रेजिस्टेंस की मात्रा को बढ़ाते हैं। जहां आपको बता दें कि डॉक्टर पहले ही जो दवाइयां देता है उनको बहुत लोगों पर रिसर्च करके कैलकुलेट करके फिर दी जाती है। डॉक्टर द्वारा दिया गया कोर्स उसी समय अवधि पर पूरा करें। जहां एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ज्वलंत समस्या है जो न केवल आपकी सेहत पर प्रभाव डालेगा बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करेगा। सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने उदाहरण देते हुए बताया कि ट्यूबरक्लोसिस का इलाज आज के समय में बेहद ही महंगा हो रहा है, क्योंकि इसमें अब मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस उत्पन्न हो गया है, जिससे अब ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने आम जन से अपील करते हुए कहा कि डॉक्टर का दिया हुआ कोर्स समय पर पूरा लेवे एवं घर पे पड़ी अनावश्यक दवाइयों से दूरी बनाए। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है तो हमारा दायित्व है कि हम स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें और किस तरह से सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं दें, तो उसी का एक हिस्सा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि आज हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बढ़ रहा है। लोग ओवर द काउंटर दवाएं ले लेते हैं या कुछ घर में पड़ी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, हल्के खांसी जुकाम बुखार या थोड़ी सी कोई बीमारी होती है तो, और उसके कारण रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। या फिर यदि हमारे द्वारा लिखी जाती है, हमारे डॉक्टर्स यदि एंटीबायोटिक लिखते हैं तो उसको पूरी नहीं खाते हैं। कई बार तो वो देखते हैं अरे इतनी स्ट्रेंथ है, इतना भारी है, हमें सूट नहीं करेगा या इतनी हैवी दवाई लिख दी। ऐसा कुछ नहीं है, ये डोजेस बहुत सारे लोगों पे रिसर्च करके फिर कैलकुलेट की जाती है, तो आप उसके ग्राम मिलीग्राम ना देखें, आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कम्प्लीटली फॉलो करें। अगर उन्होंने 5 दिन लिखी है तो 5 दिन पूरा खाना ही है। आपको चाहे स्वस्थ महसूस होता है तो भी आप उसको पूरा दिन पूरा कोर्स कम्प्लीट करें। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये एक बढ़ती समस्या है और इसकी वजह से आपकी स्वास्थ्य पे और आपके जेब पर भी कुप्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे फिर हमें सिंपल जो सस्ती एंटीबायोटिक्स है वो काम करना बंद कर देगी और महंगी से महंगी एंटीबायोटिक्स हमें देनी पड़ेगी, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा एक आम जन से यही रहेगा कि बिना डॉक्टर को पूछे एंटीबायोटिक का सेवन ना करें। साथ ही साथ जितना आपको लिखा जाता है उतना पूरा लीजिए, न कम न ज़्यादा। यदि आपको 5 दिन की लिखी जाती है तो 5 दिन खाएं, 3 दिन की होती है तो 3 दिन खाएं। हर दवाई का एक अलग डोज कैलकुलेटेड होता है, तो आप उसके मिलीग्राम या ग्राम पर मत जाइए। वो कोई वजन नहीं होता है उसका कि आप उठा नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन 100% फॉलो करना है और जिस तरीके से उन्होंने दिए उसी तरीके से खाना है, तभी हम ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रोक पाएंगे। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताऊं, ट्यूबरकुलोसिस। आपने देखा होगा टीबी की बीमारी आराम से बहुत सस्ती दवाइयों से ठीक हो जाती थी, लेकिन अब उसमें क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है तो हमें इलाज करने में भी बहुत बाधा आ रही है। तो मेरा आमजन से यही अपील रहेगी कि एंटीबायोटिक लेने से पहले सावधानी बरतें, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें और जो डॉक्टर सलाह दे उसकी पूरी पूरी पालन।
This will be very boring for me. For the black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.